नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेलकम एक बार फिर से। और दोस्तों, आज इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे और चेक करेंगे एक रिंग लाइट विथ स्टैंड। तो दोस्तों, ये हमने परचेज किया फ्लिपकार्ट से 799 में, यानी कि 800 में। और अगर दोस्तों आप कोई रिंग लाइट परचेज करना चाहते हो लो बजट में, मतलब आपने ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं करने हैं, कम पैसे खर्च करने हैं, तो आप ये सेट परचेज कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारे पास रिंग लाइट और एक ये ट्राइपॉड स्टैंड है। तो दोस्तों, पहले बात करेंगे इस ट्राइपॉड स्टैंड की। तो ये है दोस्तों ट्राइपॉड स्टैंड, काफ़ी लाइट वेट है। और क्वालिटी वगैरह की बात करें तो इतनी ज़्यादा हाईफाई क्वालिटी आपको नहीं मिलेगी, बिकॉज़ हमने इसे काफ़ी लो प्राइसिंग में परचेस किया है। तो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी हम इस प्राइसिंग में एक्सपेक्ट तो नहीं कर सकते। तो वैसे आप इसको एडजस्ट वगैरह कर सकते हो, काफ़ी सारे नॉब्स इसमें मिल जाते हैं आपको। आप इसकी हाइट कम ज़्यादा कर सकते हो, जैसे भी आपका यूज़ है, जितनी भी आपने हाइट रखनी है रिंग लाइट की। तो काफ़ी लाइट वेट है, यहाँ पर काफ़ी सारे नॉब्स है, जो इसके नीचे का ट्राइपॉड है आप उसको भी एडजस्ट कर सकते हो। मतलब इसके जो नीचे की थ्री लेग्स हैं आपको पास रखनी है, दूर रखनी है, वो आप यहाँ पे एडजस्ट करके टाइट कर सकते हो। तो यहाँ पे काफ़ी सारे नॉब्स दे रखे हैं और वैसे भी लाइट वेट है, हल्का फुल्का है। तो वैसे भी हमने इसमें सिर्फ एक रिंग लाइट ही लगानी है, जो कि काफ़ी हल्की होती है, ज़्यादा उसका वेट होता नहीं है। तो भारी भरकम चीज़ तो इसमें लगाएंगे नहीं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो उसकी क्वालिटी ठीक ठाक है, मतलब एक रिंग लाइट के हिसाब से ये ठीक है। तो इसको रख देते हैं थोड़ा साइड में और अब मैं आपको दिखाता हूँ ये रिंग लाइट। तो दोस्तों, पैकेजिंग की बात करूं तो सेलर ने जो पैकेजिंग करके दी एकदम बेकार है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ पुराना मटेरियल पैक करके भेज दिया है। बट चलिए, कोई बात नहीं, हमें हमारे सामान से मतलब है, चलना चाहिए। तो ये है रिंग लाइट दोस्तों, ये 10 इंचेस की रिंग लाइट है। और यहाँ पे आपको एक ये रॉड सी मिल जाती है, इसमें आपने अपना मोबाइल फ़ोन सेट करना है। मैं आगे आपको सब कुछ ठीक से बताऊँगा कैसे क्या करना है आपने। ये यहाँ पर सेंटर में लगता है, ये देखिए यहाँ पे सेंटर में लगेगा और इसमें आप अपना मोबाइल लगा सकते हो। इसको आप बैंड करके एडजस्ट कर सकते हो, मतलब जैसे भी आपका यूज़ है, जिस हिसाब से भी आपने इसको लगाना है। यहाँ पे इसका कंट्रोल पैनल दे रखा है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों आपको काफ़ी सारे बटन्स मिलते हैं, आप इसे ऑन ऑफ कर सकते हो। यहाँ पर बटन है, ब्राइटनेस आप कम ज़्यादा कर सकते हो या इसकी वार्मनेस भी चेंज कर सकते हो लाइट की, मतलब कि कूल वाइट करना है या वार्म रखना है। यहाँ पर आपको USB इंटरफेस मिलता है, तो आप पावर बैंक से भी इसे चला सकते हो या मोबाइल का चार्जर भी आप यूज़ कर सकते हो। और दोस्तों, यहाँ पे आपको एक ये चीज़ मिल जाती है साथ में, तो इससे आप अपनी रिंग लाइट की जो पोजीशन है वो एडजस्ट कर सकते हो। मतलब आपको स्ट्रेट रखनी है लाइट को, या 90 डिग्री पे बैंड करना है, या 45 डिग्री पे एडजस्ट करनी है, तो वो आप कर सकते हो इसके थ्रू। लूज़ करके आप एडजस्ट करके फिर इसे टाइट कर दीजिए। और यहाँ पर दोस्तों आपको एक फ़ोन होल्डर मिल जाता है, तो आपने अपना मोबाइल इसमें लगाना है। और इसकी क्वालिटी भी मतलब ठीक ठाक सी है, वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली जैसे भी आपने मोबाइल लगाना है इसमें आप एडजस्ट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, सब असेंबल कर लेते हैं। तो अभी आपने पहले क्या करना है, ये चीज़ यहाँ पे टाइट कर देनी है। देखिए, अच्छे से आपने टाइट कर देना है इसको रिंग लाइट के साथ, और यहाँ पे आपने इसे नीचे से भी टाइट कर देना है। और यहाँ पे फ़ोन होल्डर आपने इसमें लगाना है, बैक साइड से आपने इसको थोड़ा सा लूज़ करना है, और फिर आपने इसको यहाँ पर लगा के थोड़ा सा प्रेस करना है। थोड़ा ज़ोर से प्रेस करोगे आप तो फिक्स हो जाएगा, फिर आपने इसको अच्छे से टाइट कर देना है। ये देखिए, आप इसे थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हो अपने मोबाइल की पोजिशन के हिसाब से। तो दोस्तों, यहाँ पे अभी हमने इसको ट्राइपॉड से कनेक्ट करना है और हमने सिर्फ इसमें सप्लाई देनी है इसको ऑन करने के लिए। तो ट्राइपॉड से कनेक्ट करने के लिए जस्ट आपने इसको थोड़ा सा लूज़ कर लेना है नीचे से, और फिर आपने इसको टाइट कर देना है इस ट्राइपॉड के साथ में। ये देखिए, जो ऊपर यहाँ पे स्क्रू टाइप दे रखा है, ये देखिए, अच्छे से टाइट कर देना है आपने। और फिर आप यहाँ से इसकी डायरेक्शन को भी एडजस्ट कर सकते हो, जैसे आपने लाइट को सीधा रखना है या बैंड करना है। तो अभी हमने ये सब टाइट कर दिया है, तो चलिए इसको पावर ऑन करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अभी मैं एक पावर बैंक यूज़ कर रहा हूँ वीडियो में, बट आप अपना मोबाइल का चार्जर भी यूज़ कर सकते हो। तो जस्ट आपने इसे प्लग इन कर देना है USB पोर्ट में, और यहाँ से दोस्तों आप बटन प्रेस करोगे तो देखिए लाइट अभी हमारी ऑन हो चुकी है। तो दोस्तों, आप यहाँ पे इसे ऑन ऑफ कर सकते हो इस बटन से, और आप चाहो तो इसकी ब्राइटनेस को भी एडजस्ट कर सकते हो, लाइट की ब्राइटनेस जैसे आपने कम रखनी है या ज़्यादा ब्राइटनेस करनी है, जैसा भी आपका यूज़ है। और आप इसकी वार्मनेस भी चेंज कर सकते हो, इस यहाँ पे एक बटन दे रखा है, तो आपको जैसे कूल वाइट कलर रखना है तो वो भी रख सकते हो, या आपने वार्म करना है वार्म कलर भी कर सकते हो, या चाहो तो आप नॉर्मली जैसे नेचुरल सनलाइट होती हो तो वैसा भी कलर आप कर सकते हो। यहाँ पर कंट्रोल पैनल में जो बटन दे रखे हैं उससे आप ये एडजस्टमेंट कर सकते हो। ये देखिए, तो दोस्तों अभी हमारी जो ये रिंग लाइट है यूज़ करने के लिए पूरी तरह से रेडी है। तो अभी आप चाहो तो देखिए, इसके जो ये लाइट है इसको आप स्ट्रेट रख सकते हो, या थोड़ा डाउन करना है तो डाउन भी कर सकते हो, जैसा भी आपकी यूसेज है वैसे आप इस रिंग लाइट को एडजस्ट कर सकते हो। और यहाँ सेंटर में दोस्तों आपने अपना मोबाइल लगाना है, वर्टिकली लगाना है या हॉरिजॉन्टली लगाना है, जैसे भी आपका यूज़ है आप इसे लगा सकते हो, सेट कर सकते हो। और यहाँ पे देखिए, हमने फ़ोन को थोड़ा वर्टिकली सीधा लगाया है, तो आप इसे चाहो तो ऐसे हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हो,
जैसे भी वीडियो आपने शूट करनी है लैंडस्केप में या सीधी सीधी शूट करनी है। और यहाँ पे दोस्तों आप इसको बाहर निकाल के रॉड को थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो। ये मोटी सी वायर है, वायर का एक मतलब पीस है तो बैंड हो जाता है, तो आप इसे हाथ से बैंड करके एडजस्ट कर सकते हो फ़ोन की पोजीशन को, जैसे आपने थोड़ा सा नीचे ऊपर करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप रिंग लाइट के कलर्स देख सकते हो, वार्म वाइट या नेचुरल वाइट या जो कूल वाइट इसमें आपको मिलता है, जो कलर चेंजेस हो रहे हैं इसमें आप देख सकते हो। और यहाँ पे आप इसके ट्राइपॉड की हाइट देख सकते हो, मैक्सिमम और मिनिमम एडजस्ट करने के बाद कितनी मिलती है। तो यहाँ पे दोस्तों अभी आप देख सकते हो मेरे फेस में जो रिंग लाइट ऑन करने पे चेंजेस आ रहे हैं लाइट के। तो यहाँ पे स्विच ऑफ है रिंग लाइट और आप देख सकते हो मेरे फेस में लाइट कहाँ कहाँ नहीं है। और अभी मैंने इसको रखा है कूल वाइट पे और आप देख सकते हो कैसी इमेज आ रही है। और अभी मैं इसको नेचुरल वाइट पे कर देता हूँ, नेचुरल जो सनलाइट होती है वैसा कुछ है ये। और आप चाहो तो वार्म में कर सकते हो, देखिए अभी वार्म हो गया एकदम ही डार्क, इससे थोड़े कलर हो गए हैं देख सकते हो आप। तो ऐसे कुछ आप लाइटिंग कंडीशंस चेंज कर सकते हो इसकी लाइट को एडजस्ट करके। थोड़ा सा मैं आपको हाथ दिखाऊंगा ना अपना, तो आपको अच्छे से पता चलेगा। देखिए आप मेरा हाथ देखिए, इसमें थोड़े से कलर जो है चेंज हो रहे हैं। देखिए ये फुल कूल वाइट है, ये नेचुरल वाइट है और ये वार्म है। तो ऐसे ऐसे ये स्विच ऑफ हो गया। तो ऐसे आप लाइट को एडजस्ट करके आप अपने स्किन टोन जैसे भी आपको ठीक लग रही है वैसे आप वीडियो को शूट कर सकते हो। लाइट को जैसे भी आपने एडजस्टमेंट रखनी है, ब्राइटनेस कम करना है या ज़्यादा करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप वीडियो में देख सकते हो क्या कुछ चेंजेस आ रहे हैं लाइट की सेटिंग चेंज करने पर। और यहाँ पे दोस्तों अभी मैंने इसको वर्टिकली सेट किया है फ़ोन को अपने, और ऐसे आप वर्टिकल वीडियो शूट कर सकते हो। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो लाइट चेंज करने से या स्विच ऑफ करने से या इसके कलर्स वगैरह चेंज करने से क्या मतलब इफ़ेक्ट आ रहा है वीडियो में, क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो ये लाइट ऑन है, ये है कूल वाइट में, ये देखिए, और ये हो गया वार्म में, वार्म सेटिंग कर दी है अभी हमने, ठीक है। तो ऐसे आप नेचुरल वाइट कर सकते हो या ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हो, जैसी भी आपकी स्किन टोन चेंज हो रही है, आपको जैसी सूटेबल लग रही है। तो यहाँ पे मैंने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करी है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो स्विच ऑफ में कैसी थी मेरी स्किन और कूल वाइट में या नेचुरल वाइट में या सनलाइट में, आपको पता चलेगा कि लाइट से क्या चेंजेस आ रहे हैं वीडियो में। तो दोस्तों ये है रिंग लाइट विद ट्राइपॉड स्टैंड जो कि हमने परचेज़ किया फ्लिपकार्ट से, काफ़ी लो बजट में। अगर आपका कम बजट है तो आप डेफिनेटली इसको परचेज़ कर सकते हो, और ज़्यादा अच्छी क्वालिटी हम इस प्राइसिंग में एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। इसमें आपको रिंग लाइट और स्टैंड दोनों ही मिल जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूँ, आप इसे पावर बैंक से भी चला सकते हो और मोबाइल के चार्जर से भी चला सकते हो। बट अगर आप अपना मोबाइल का चार्जर यूज़ करते हो तो आपको ज़्यादा अच्छी ब्राइटनेस देखने को मिलेगी, बिकॉज पावर बैंक की जो आउटपुट है उससे इसकी लाइट जो है फुल ब्राइटनेस पे भी इतनी ज़्यादा रोशनी नहीं दे रही थी। बट जब मैंने मोबाइल का चार्जर लगाया था तो मोबाइल के चार्जर से ये लाइट काफ़ी तेज़ जल रही थी, इसकी ब्राइटनेस काफ़ी बढ़ गई थी। तो आप मोबाइल का चार्जर यूज़ कर सकते हो अगर आपको ज़्यादा ब्राइटनेस चाहिए, बट आप वैसे इसको पावर बैंक से भी यूज़ कर ही सकते हो। तो आप डेफिनेटली इसको परचेस कर सकते हो दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। और दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नवी चीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।